हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फोर वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट फोर वीडियो में एक्सरसाइज 27.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 7 यूनिट और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यहाँ पे दिया गया है, तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। चलिए समझते हैं, हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 7 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो दिया है वह क्या है आपका 3i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 6k कैप। चलिए इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, तो वह क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस में 4 और प्लस में आपका 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 36 और 4 40 4 49 हो जाएगा, रूट 49 यानी कि कितना जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमें निकालना है कोण, तो साइन थीटा बराबर बता रखा है मैंने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और बाई में ए का मैग्नीट्यूड और इनटू बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि यहां से हो जाएगा साइन थीटा बराबर में 7 बाई में 2 इंटू 7, तो 7 से 7 कट जाएगा 1 बचेगा ऊपर, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का होता है, तो यहां से थीटा बराबर में आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी पाई बाई सिक्स। चलिए अगला